नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। बाजे कदम तल्ला घाट पर होगी गंगा आरती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान वाराणसी के तर्ज पर कोलकाता में भी गंगा आरती के आयोजन को लेकर मेयर फिराद हकीम को उपयुक्त घाट का चयन करने का निर्देश दिया था। सीएम के निर्देश के बाद केएमसी के अधिकारियों ने शहर के विभिन्न घाटों का दौरा शुरू किया। निरीक्षण के बाद महानगर के दो घाट मध्य कोलकाता स्थित बाजे कदम तल्ला घाट और मिलेनियम पार्क को गंगा आरती के लिए उपयुक्त पाया गया। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद आखिरकार कोलकाता नगर निगम ने गंगा आरती के लिए बाजे कदम तल्ला घाट का चयन किया। कोलकाता के टेंगरा में स्थित एक प्लास्टिक के कारखाने में सोमवार की सुबह भयावह आग लग गई। दमकल के 10 इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিপটি ওয়েল যেখানে ইন কেস অফ এমার্জেন্সি আমাদের সেই ডিপটি ওয়েলগুলো দিয়ে এখন জল তালা যেতে পারে। সেই ফায়ার ব্রিগেডও সেই সার্ভেতে ছিল, আমরা যতগুলো সম্ভব করেছি। दिसंबर महीने में बड़ा कुछ होने जा रहा है। भाजपा नेताओं के इस दावे पर पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा कि तृणमूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मालूम हो कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने मीडिया द्वारा एक सवाल के जवाब में ये बात कही। छात्र संसद चुनाव की मांग पर मेडिकल के छात्र अनशन पर अड़े हुए हैं। सोमवार को भी छात्रों ने अनशन जारी रखा। इस दौरान आज फिर एक छात्र अस्वस्थ हो गया। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छात्रों का हाल जाना। वहीं कल स्वास्थ्य भवन में एक बैठक भी बुलाई गई है। 102 साल की उम्र में रामकृष्ण शारदा मठ की अध्यक्षता का निधन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया शोक। अब रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। गुजरात में भूपेंद्र ने ली सीएम पद की शपथ। शिवराज योगी समेत पार्टी के 20 बड़े नेता मंच पे थे मौजूद। 16 विधायक भी बनेंगे मंत्री। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।